चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महाराजगंज के सिसवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रेम सागर पटेल ने भी प्रचार अपना तेज कर दिया है। बुलडोजर विधायक के नाम से मशहूर प्रेम सागर पटेल ने कहा कि भू माफिया के अवैध निर्माण पर वो बुलडोजर लगाएंगे। एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने उनसे बात की। इस वक्त हम महाराजगंज के सिसवा विधानसभा में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक व प्रत्याशी प्रेम सागर पटेल जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और किस तरीके से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं ताकि जनता आपको वोट दे। नहीं, मैं जो है चुनाव प्रचार में कम हूँ, मेरी जनता ज्यादा है। चुनाव प्रचार तो जनता कर रही है, भाजपा को जनता लाना चाहती है, योगी बाबा को, मोदी बाबा को जनता लाना चाहती है। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है और जनता बहुत बड़े पैमाने पर इस बात पर ध्यान दे रही है। ये सरकार गरीबों के लिए ध्यान दे रही है, गरीबी पर ध्यान दे रही है। एक आरोप आप पर लगता है कि आप बुलडोजर वाले विधायक हैं, आप बुलडोजर पर बैठ के प्रचार प्रसार करते हैं, गांव-गांव बुलडोजर लेकर के जा रहे हैं, तो ये बुलडोजर वाली राजनीति क्या है? यहाँ ज्यादातर माफिया जो है जमीनों का कब्जा किए हैं, फर्जी जमीनों का। कलकत्ता का आदमी यहाँ जमीन कब्जा करके बसा हुआ, उसका नामकरण नहीं है, अवैध रूप से है। तो ये बुलडोजर इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उन पर चलाएंगे और वो खाली करा के गरीबों में हम बटवाएंगे जो अवैध जमीनों को लोगों ने कब्जा किया है, इसलिए बुलडोजर वाले बाबा के नाम से प्रचलन हो रहा है। तो आपने देखा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम सागर पटेल जी थे, जिन्होंने कहा कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य यहाँ का मूल मुद्दा है और विधायक बनते ही सबसे पहले वो इन मुद्दों को पूरा करेंगे, लेकिन जनता उन्हें जिताती है या हराती है ये तो 10 मार्च को मतगणना के दौरान ही पता चलेगा। सिसवा से वीडियो जर्नलिस्ट धीर सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।